अगर आप पेंशनर या फैमिली पेंशनर हैं और आप अगर जानना चाहते हैं कि आपकी पेंशन कब और कितनी बढ़ेगी तो आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहें पूरी जानकारी ध्यान से सुने तो आप पूरी तरह से आपके ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि आपकी पेंशन कब और कितनी बढ़ती है पिछले कुछ वीडियोज़ पर इस तरह के कमेंट आए थे कि सर हमारी पेंशन कब बढ़ेगी हम फैमिली पेंशनर हैं या फिर हम पेंशनर हैं तो इस वीडियो में मैं वो स्थिति पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूँ आस आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहें और वीडियो पूरा देखने के बाद ही अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर क्लिक कर देवें अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की तो कुछ जो कमेंट आए थे कि हमारी पेंशन कब बढ़ेगी तो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पे ये एक ऑफिस मेमोरेंडम में आपको दिखा रहा हूँ इसके अलावा और भी हम कई तरह की बातें हम करेंगे इस वीडियो में ताकि आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए किस किस तरह से आपकी पेंशन बढ़ती है पेंशन बढ़ोतरी का वर्तमान में एक ये लागू तरीका है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज ऑफ पेंशनर है और ये एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन एक तो ये तरीका है पेंशनर का फैमिली पेंशनर का बताऊँगा और इस तरीके के अलावा जो वो तरीके हैं जिनसे पेंशन बढ़ती है वो भी मैं आपको बताऊँगा तो ये है एज ऑफ पेंशनर यहाँ पर पे एज दी गई है पेंशनर की जैसे अस्सी साल की एज है ये पूरी कर ले तो बीस परसेंट बेसिक पेंशन है इसमें बढ़ोतरी हो जाती है पिचासी साल के ऊपर तीस परसेंट नब्बे साल के ऊपर चालीस परसेंट पचानवे साल के ऊपर पचास परसेंट और सौ साल होने पर सौ प्रतिशत बेसिक पेंशन यानी डबल पेंशन हो जाती है ये फ़िलहाल यही लागू है कि इस तरह से इस एज के हिसाब से आपकी पेंशन जो होती है एडिशनल पेंशन होती है वह है बढ़ती है और इसी तरीके से बात करें फैमिली पेंशनर की तो फैमिली पेंशनर के लिए वर्तमान में ये नियम फैमिली पेंशनर के ऊपर भी एज इट इज़ लागू है कि अगर 80 साल पेंशन 80 साल की उम्र होने पर 20 प्रतिशत बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी पिचासी साल होने पर 30 प्रतिशत बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 90 साल होने पर 50 और 100 साल होने पर 100 प्रतिशत बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी ये जो रूल है ये फैमिली पेंशनर पर भी लागू है अब आपको बताना चाहूंगा कि ये तो एक तरीका हुआ जिससे पेंशनर की पेंशन बढ़ती है या फैमिली पेंशनर की पेंशन बढ़ती है लेकिन इसी तरीके के ऊपर एक बड़ा पेच और चल रहा है वह भी मैं आपको दिखा देता हूं अब बड़ी जो मांग चल रही है ये आपके सामने टेबल है और ये टेबल आपको अगले वीडियो में विस्तार से भी बताऊंगा कि ये क्या है और ये कहाँ का लेटर है लेकिन यहाँ पे बस हम पेंशन बढ़ोतरी की जो बात कर रहे हैं वही समझ लेते हैं अगला वीडियो अगर आपको देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगला वीडियो के अंदर ये टेबल के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा इस लेटर के बारे में तो वह भी आपको मिल सके अब इस लेटर में लिखा हुआ है कि पैंसठ साल पे पाँच प्रतिशत सत्तर पे दस पचहत्तर साल होने पर पंद्रह अस्सी साल होने पर बीस पचासी साल होने पर तीस प्रतिशत नब्बे साल होने पर चालीस प्रतिशत पचानवे साल होने पर पचास प्रतिशत और सौ साल की उम्र होने पर सौ प्रतिशत बेसिक पेंशन उसकी बढ़ोतरी यानी डबल पेंशन करने को लेकर यहाँ पे ये लेटर है और इस लेटर के हिसाब से ये बड़ी मांग चल रही है पेंशन भोगियों की और स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने भी ये कह दिया है कि हाँ ये सही है और इसको लागू करना चाहिए मतलब जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि इस तरह से पेंशन बढ़ोतरी ये लागू करनी चाहिए लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया था इसी तरीके से वर्तमान में पेंशन है ये बढ़ोतरी की जाती है अब ये एक तरीका हुआ पेंशन वृद्धि का अब दूसरा तरीका पेंशन वृद्धि का ये होता है ये पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया एज अनुसार अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की दूसरा तरीका पेंशन बढ़ोतरी का ये होता है कि पेंशन बढ़ोतरी साल में दो बार होती है साल में दो बार कब होती है जब आपका महंगाई भत्ता या महंगाई राहत बढ़ोतरी होती है यानी आपका डी या डी बढ़ता है जब डी ए डी बढ़ता है तो आपकी पेंशन में वृद्धि होती है साल में दो बार ये आपको देखने को मिलती है एक आपको जनवरी से इसका फायदा मिलता है दूसरा फायदा आपको जुलाई से मिलता है फायदा थोड़ा लेट मिलता है जनवरी वाला फ़ायदा लगभग मार्च के आसपास मिलता है और जुलाई वाला जो डी बढ़ता है उसका फ़ायदा आपको लगभग सितम्बर या अक्टूबर से मिलने लग जाता है तो ये दो तरीके हो गए आपकी पेंशन वृद्धि को लेकर अब पेंशन बढ़ोतरी का तीसरा तरीका एक ये है कि आपने अगर कम्यूटेशन करवाया है और वह कम्यूटेशन आपका पंद्रह साल चलता है आपको पता होगा कम्यूटेशन आपने कराया है तो पंद्रह साल आपका कम्यूटेशन होगा लेकिन अगर आपका कम्यूटेशन पंद्रह साल जैसे ही पूरा हो जाता है तो उस स्थिति में भी आपकी पेंशन में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलता है क्योंकि जो कम्यूटेशन के पैसे कटते हैं वह है पैसे नहीं कटेंगे आपको फुल पेंशन मिलेगी तो उस स्थिति में आपका जो पेंशन है यह आपको बढ़ी हुई मिलेगी पेंशन बढ़ोतरी के चौथे तरीके की बात करें तो चौथा तरीका यह है कि जब गवर्नमेंट कोई रिवीजन करती है तब आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है बात करते हैं कौन से रिवीजन की तो एक रिवीजन है जिसका नाम आप अच्छे से आपने सुना होगा जैसे कि ओ वन रैंक वन पेंशन का पहला रिवीजन जब किया था सरकार ने दो में उस समय पर पे पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी और सेकंड रिवीज़न है ओ आर टू का ये 2019 से होना था लेकिन सरकार इसे टाल मटोल करते हुए आगे की तरफ खिसका रही है तो ये देखते कब तक खिसकाती है लेकिन रिवीजन तो सरकार को करना होगा तो इसी तरह का जब रिवीजन होता है तो उस स्थिति में उस स्थिति में आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है अब आप अगर पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं और आपको अगर जो पेंशन नियम उन्नीस जो है उसके हिसाब से पेंशन नियमावली है उसके बारे में आपको एक एक बिंदु के बारे में अच्छे से जानना है ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो आपको समस्या ना हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो अगले वीडियोज़ के अंदर हम इनके एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे ग्रेचुटी जो है कई सारे ऐसे पेंशनर भी हैं जिनको ग्रेचुटी पूरी नहीं मिली हो कुछ किसी वजह से छोटे छोटे रीजन की वजह से उनको लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है वहीं पे जो एडिशनल क्वांटम सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस जो है इसको लेकर है फैमिली पेंशनर है इसको लेकर पूरी जानकारी हम आगे के वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बताएंगे इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल पे अभी तक जुड़े नहीं हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाद में आप भूल सकते हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देवें और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को लेकर भी यहाँ पर विस्तार से मैं आपको बताऊँगा बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है कम्यूटेशन को लेकर कि गुजरात सरकार ने कम्यूटेशन को पंद्रह साल से घटाकर बारह साल कर दिया है यानी गुजरात के अंदर अब बारह साल के बाद में ही पूरी पेंशन मिलने लग जाएगी जबकि केंद्र सरकार के जो पेंशनर हैं उनको पंद्रह साल तक का इंतज़ार करना पड़ता है तो अब सरकार भी ये भी दबाव बन रहा है लगातार एन ने भी बड़ा मुद्दा उठाया है और बहुत जो पेंशनर संगठन है उनके सभी की तरफ से ये बड़ा दबाव बनाया जा रहा है कि जो कम्यूटेशन जो गुजरात सरकार ने पंद्रह साल से बारह साल किया है अब मोदी सरकार भी उसको पंद्रह साल से कम करते हुए बारह साल कर दे ताकि जो पेंशनर हैं उनको इसका फ़ायदा मिलने लगे तो ये जानकारी आपको ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा ग्रेशिया लमसम जो कंपन है इसके बारे में और भी हर जो बिंदु है उसके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में हम जानेंगे और ये जो आपने लेटर देखा है इस लेटर के बारे में भी अगले वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें पैंसठ साल से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कहा गया है तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत